ग्रेजुएशन करके इतना बोर हो गया था, सो आई डिसाइडेड आई विल डू समथिंग क्रेजी. If I love, you can't quantify fan following. In my 100%, and the person who's watching it, he also doesn't feel betrayed at the end of the day. So hi Rahul, welcome again on Cine Speaks. बड़ा हेल्दी फूड खा रहे हैं आप, कैसे हैं? Thank you so much. I'm so honored and I feel so privileged to come back to Cine Speaks. How are you doing? We all are very good. We all are very good. And आपकी शूटिंग कैसी चल रही है? It's on and it's going great. Let's just fingers crossed. I hope this chunk also works pretty well. Okay. तो अभी OTT पे आ चुका है. आप लग रहा है कलर्स मिस कर रहे हैं. कलर्स को थोड़ा मिस किया जा रहा है अभी. या सही जा रहा है? Of course, थोड़ा बहुत. थोड़ी बहुत याद तो आती है. But I'm very hopeful. I'm very positive. The word is optimism for this new this change that has come into our lives. And I'm very glad. I'm looking forward to it. ओके तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि अभी सेट वगैरह सब वही हैं और किस तरीके से शूटिंग शेड्यूल्स हैं, वो सब कुछ वैसे ही चल रहा है पहले जैसा? नो चेंजेस एट ऑल, सिर्फ प्लेटफॉर्म चेंज हो गया. सी द चेंज इज एट अ स्टोरी लेवल, एट अ स्क्रीन प्ले लेवल, इन टर्म्स ऑफ हाउ शूटिंग इट, उस लेवल पे चेंज आया. बाकी द सेट इज द सेम, द कैरेक्टर्स आर द सेम, जस्ट दैट देयर कैरेक्टर ट्रेट्स एंड देयर यू नो देयर द वे यू नो पीपल आर सपोज्ड टू बी टेकिंग दोस कैरेक्टर्स, दैट्स दैट हैज चेंज्ड. सो देयर इज अ सटल चेंज इन द डायमेंशंस ऑफ ईच कैरेक्टर. ओके राहुल, हमें भर भर के व्यूअर्स लिख रहे हैं आपको और हेली को साथ में देखने के लिए. अब आप बताइए, आप दोनों साथ में कहाँ मिलेंगे? हमें ऑन सेट मिलेंगे या हमें Zoom पे मिलेंगे? हम कैसे आप दोनों को एक साथ देख सकते हैं? My viewers. See, I don't mind on set. Yeah, okay. I think on set is a more convenient. More convenient and a more the energy levels are very up. Zoom interview पे क्या होता है? You have no clue what world the other person is living in and you have your own things going on at the background. So yeah. ठीक. So sometimes you can make it with that. 100% फिर उसके लिए मैं आपको मैसेज करके पक्के से आने वाली हूँ. मेरे व्यूअर्स ये सुनकर ही आई एम श्योर इतने खुश हो चुके होंगे कि आपने हमें साथ में दिखाने के लिए उनको परमिशन दे दी है, तो वो लोग बहुत खुश हो जाएंगे आई एम श्योर. तो राहुल ये बताइए कि इंजीनियरिंग करने वाले थे आप, सडनली एक्टर बनने का कैसे आया? कर चुके हैं आप? हाँ वही, मतलब मुझे तो थ्री इडियट्स का माधवन याद आ रहा है, तो कैसे कैसे टर्न हुआ ये फ्रॉम इंजीनियरिंग टू एक्टर, एक्टिंग का? एक्चुअली नेवर थॉट आई वांट टू बिकम एन एक्टर. ओके. मेरे ज़हन दूर तक कोई ऐसा ख्याल भी नहीं था, बिकॉज़ जिस फैमिली बैकग्राउंड से मैं आता हूँ वहाँ पे वो सारे एकेडमिशियंस हैं वो. सो इट इज अबाउट एजुकेशन एंड गेटिंग मोर एजुकेशन एंड सो टिल टुडे आई गेट क्रिटिसाइज्ड फॉर जस्ट बीइंग अ ग्रेजुएट. ओके. व्हेयरएज़ यू नो एवरीबॉडी इन माय फैमिली इज एटलीस्ट अ डबल एमए. ओके ओके. Yeah, so I don't come from that background where acting is sort of even considered a career option. So yeah, मैं तो engine graduation करके इतना bore हो गया था, so I decided I'll do something crazy. तो आपको लगा आपने जो अपनी दिशा बदली है वो बिल्कुल सही direction में चली गई, मतलब आपको कोई regret नहीं है? I hope so. वो तो जिस दिन हम the day I can look back at my career तब बात करेंगे कि क्या सही दिशा में बदली कि नहीं बदली, but फिलहाल चल रहे हैं. अभी आगे आने वाले, आई एम श्योर आप नहीं बताने वाले, वो सस्पेंस ही होगा. आगे आने वाले ट्रैक जो हम देखेंगे एपिसोड्स, थोड़ा बहुत कुछ बताना चाहेंगे कि क्या होने वाला है, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग जा रहा है सब कुछ. देखिए दादी आपको बहुत कमाल की दिखेंगी, दैट आई कैन वाउच फॉर. यू आर गोइंग टू लव दादी एंड द चेंज इन हर कैरेक्टर इज अनबिलीवेबल एंड वी आर सो एक्साइटेड फॉर दैट. दिस व्यूम व्यूम अंकित सिवाच करके एक बहुत मंजे हुए कलाकार हैं, वो ही हैज जॉइंड आवर सेट एज यू नो वन ऑफ द पोटेंशियल एंटागनिस्ट स्लैश यू नो हीरोज इन द शो, वन ऑफ द मेन लीड्स, एंड ही इज ब्रिलियंट. द वे हिज कैरेक्टर हैज बीन रिटन, इट्स रियली रियली कूल, इट्स वेरी कूल. आई मीन आई वाज वेरी फैसिनेटेड व्हेन आई रेड दैट. वो है आर्यन, यू विल सी मोर ऑफ आर्यन नाउ डूइंग क्रेजी स्टफ. सो आर्यन यू कैन एक्सपेक्ट अ लॉट ऑफ थिंग्स कमिंग फ्रॉम आर्यन साइड. Okay. So yeah, I mean the way they've opened up and the way characters are shaping like characters. So mere ko badi khushi hai us level pe. So yeah, that you can expect from the show now. Great.
तो राहुल इतने कम समय में इतनी ह्यूज फैन फॉलोइंग, मतलब आई कैन सी द क्रेजीनेस फॉर यू कि जबरदस्त हमें मैसेजेस आते हैं भर भर के लाखों मिलियंस में। तो कैसा लगता है राहुल इतना ज्यादा फैन फॉलोइंग पा करके, इतना सारा प्यार पाके, और कभी कोई ऐसा फैन से एनकाउंटर हुआ है आपका जो कोई क्रेजी इंसिडेंट हो आपकी लाइफ में? नहीं, एक्चुअली मैं ये दिस इज जस्ट इट्स अ वेरी आई डोंट नो इफ वी कैन क्वांटिफाई दिस एंड सॉर्ट ऑफ यू नो एक्सप्लेन क्वांटिफाई दीज थिंग्स. यू कांट क्वांटिफाई लव, यू कांट क्वांटिफाई फैन फॉलोइंग. इट्स अ वेरी सटल थिंग टू हैपन टू समबडी एंड टू एक्सप्लेन हाउ आई फील वुड बी क्रिमिनल यू नो इफ आई स्टार्ट आर्टिकुलेटिंग इट. बहुत अच्छा लगता है या अच्छा नहीं लगता है. आई थिंक दीज थिंग्स आर it's a very subtle thing. I don't know personally, meri life mein aisa koi encounter nahi hua hai ki, because there is a pandemic going on and clearly I wouldn't want to want people to risk their lives and me to risk mine in this case. Because, you know, the hazards of this entire thing. But otherwise, personally, I'm the same guy, man. I'm the same person who I was 10 years ago, a year ago. Personally, it doesn't make any sense. क्या ज्यादा अट्रैक्ट करता है, वेबसाइट, वेब सॉरी वेब सीरीज और सीरियल्स और बॉलीवुड और व्हाट? सबसे ज्यादा कौन सा प्लेटफॉर्म है जो आपको खींचता है? टीवी तो एज इट इज यू या आई डोंट थिंक देयर इज अ यू चूज वर्क विद प्लेटफॉर्म्स. आई थिंक यू चूज वर्क एज पर कैरेक्टर्स. कैरेक्टर्स राइट राइट. सो मैं बोलूं कि मेरे को वेब सीरीज पसंद है और कल मैं टीवी सीरियल कर रहा हूं. मैं आपको बोलूं टीवी सीरियल पसंद है फिर मैं फिल्म कर रहा हूं. So that is a very you know it's a very आपको खुद नहीं पता है कि आप क्या करने वाले हो. What will head your way? एक रात फोन आया and then suddenly you're doing something else. So you can never plan on that level. And neither can you have a favorite कि ये मेरा favorite है और वो मेरा favorite नहीं है. The idea is to do what really excites you from inside. बस भगवान से ही प्रार्थना होती है कि मैं जो भी काम करूं मैं बहुत interested हूँ, मुझे बहुत मजा है. So that मैं खुद भी यू नो आई कैन गिव इन माय 100% एंड द पर्सन हु इज वाचिंग इट ही आल्सो डजंट फील बिट्रेड एट द एंड ऑफ द डे. ओके ओके. सो बेसिकली यू आर फ्रॉम देहरादून और आप कहां से हैं बेसिकली? आई एम अ कश्मीरी. माय हाउस इज इन देहरादून. अच्छा, तो आपकी परवरिश पूरी कश्मीर में ही हुई है या देहरादून? आई वाज ओनली बोर्न देयर. ओके. एंड देन वी हैड टू माइग्रेट टू देहरादून बिकॉज़ कश्मीरी पंडित्स वर. अच्छा ओके. तो राहुल ये तो हम आपसे इंटरव्यू ले रहे हैं नॉर्मल वाला, क्योंकि आपके फैंस ने ये देखी इतनी लंबी लिस्ट भेजी जो हमने छाट के रेडी करी है, मतलब इतने क्वेश्चन से कि हमें छाटना पड़ा उसमें से. तो मैंने कुछ लेट्स गो. योर फर्स्ट इंप्रेशन ऑफ ईच अदर? कोल्ड या एंड क्या कहते हैं इनसेंसिटिव and proud. I seem proud? Like, I'm the thing, you know. Like, really? And you're nobody. Get lost. You. What is your name again? Rahul. Get lost. What nonsense, yaar. What nonsense. No, but I'll tell you what. Main almost ready ho chuki thi Rahul mock shoot ke liye. I think you came a little late or maybe your time was a little late. Because main jaldi aa gayi. 22 kar chuka. Exactly. We were tired of doing mock shoots again and again. To Rahul ready hone gaya. I was like, yeah, I had this impression ladke bahut jaldi ready ho jate. Rahul gaya tha. And then dada bole nahi bas abhi ho hi raha. To acha na I main actually dekh rahi thi main bola yaar इतना मतलब लग रहा है लाइक आई थॉट कि 2-5 मिनट में रेडी हो जाते बट इट टुक लाइक गुड 20 मिनट्स 15-20 मिनट्स आई लाइक हां ठीक है बस मतलब और कुछ मैंने सोचा नहीं था लाइक आई न्यू दैट ही इज द वन हु इज प्लेइंग वंश मैं आई वाजंट हायर्ड टिल देन मेरे को तो ऐसे ही बताया था ना बता दिया था मुझे तो पता था मुझे क्यों नहीं बताते हु थ्रोस मोर टैंट्रम्स अ वेरी बैड टिश्यू मैसेज हु थ्रोस मोर टैंट्रम्स मी थिंक वी थ्रो नो Who takes maximum retakes? Me. Hey, this is not about glorify. Just because it's your birthday, you don't no glorify man. Yourself. Who is always late for the shoot? Nobody. No, we're always on time. Who requires maximum touch-up? Me. क्योंकि मैं लड़की हूँ और मेरा मेकअप ज़्यादा होता है. Who is never satisfied with one take? Really? In one interview, you said you. I must have lied.
Who sleeps often on the sets? Haley. Me. Sorry. I never sleep on set. Who ends up laughing in the middle of a comedy scene? Haley. Me.